ओम शांति। 2 अक्टूबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे नई दुनिया के लिए बाप तुम्हें सब नई बातें सुनाते, नई मत देते, इसलिए उनकी गत मत न्यारी गाई जाती है। बच्चे नई दुनिया के लिए बाप तुम्हें सब नई बातें सुनाते, नई मत देते, इसलिए उनकी गत मत न्यारी गाई जाती है। आज की मुरली का प्रश्न है, रहम दिल बाप सभी बच्चों को किस बात में सावधान कर उच्च तकदीर बना देते हैं? रहम दिल बाप सभी बच्चों को किस बात में सावधान कर उच्च तकदीर बना देते हैं? बाबा ने उत्तर दिया, बाबा कहते, बच्चे उच्च तकदीर बनानी है तो सर्विस करो। बाबा कहते, बच्चे उच्च तकदीर बनानी है तो सर्विस करो। अगर खाया और सोया, सर्विस नहीं की तो ऊंची तकदीर नहीं बना सकेंगे। सर्विस के बगैर खाना हराम है, इसलिए बाबा सावधान करते। सारा मदार पढ़ाई पर है, तुम ब्राह्मणों को पढ़ना और पढ़ाना है, सच्ची गीता सुनानी है। बाबा कहते, तुम ब्राह्मणों को पढ़ना और पढ़ाना है, सच्ची गीता सुनानी है। बाप को रहम पड़ता है, इसलिए हर बात की रोशनी देते रहते हैं। बाप को रहम पड़ता है, इसलिए हर बात की रोशनी देते रहते हैं। आज की मुरली का गीत है, जिस दिन से मिले तुम हम, जिस दिन से मिले तुम हम, नया दिन लगे नई रात लगे, नया दिन लागे नई रात लागे, नई नई लागे पूनम। जिस दिन से मिले हम तुम। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। डायमंड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1 पॉइंट, वापिस स्वीट होम अर्थात घर जाना है, इसलिए देह के धर्मों को और संबंधों को भूल स्वयं को देही समझना है। वापिस स्वीट होम अर्थात घर जाना है, इसलिए देह के धर्मों और संबंधों को भूल स्वयं को देही समझना है, इसी अभ्यास में रहना है। सेकंड पॉइंट, बाप की जो शिक्षाएं मिली हैं वह दूसरों को देनी है, आप समान बनाना है। बाप की जो शिक्षाएं मिली हैं वह दूसरों को देनी है, आप समान बनाना है। 8 घंटे सर्विस जरूर करनी है, 8 घंटे सर्विस जरूर करनी है। आज की मुरली का वरदान है, शुद्ध फीलिंग द्वारा फ्लू की बीमारी को खत्म कर वरदानों से पलने वाले सफलता मूर्त भव। शुद्ध फीलिंग द्वारा फ्लू की बीमारी को खत्म कर वरदानों से पलने वाले सफलता मूर्त भव। विश्लेषण है, सभी बच्चों को
बाप दादा की श्रेष्ठ मत है। बच्चे सदा शुद्ध फीलिंग में रहो। सभी बच्चों को बाप दादा की श्रेष्ठ मत है। बच्चे सदा शुद्ध फीलिंग में रहो। मैं सर्वश्रेष्ठ अर्थात कोटों में कोई आत्मा हूँ। मैं देव आत्मा, महान आत्मा, विशेष पाठधारी आत्मा हूँ। इस फीलिंग में रहो तो व्यर्थ फीलिंग का फ्लू नहीं आ सकता। जहाँ यह शुद्ध फीलिंग है वहाँ अशुद्ध फीलिंग नहीं हो सकती। इससे फ्लू की बीमारी से अर्थात मेहनत से बच जाएंगे और सदा स्वयं को ऐसा अनुभव करेंगे कि हम वरदानों से पल रहे हैं, सेवा में सफलता पा रहे हैं। आज की मुरली का स्लोगन है, संगम युगी मर्यादा पुरुषोत्तम बनना, यही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य है। संगम युगी मर्यादा पुरुषोत्तम बनना, यही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य है। ओम शांति।